आदाब। आज का टॉपिक टंग टाई। टंग टाई बोलते सो ए टंग का नीचे एक थिक बैन का शिकार हम लोग। वो ये जीप का सेंटर से कभी टिप से भी रंगा, सेंटर से नीचे आको मुंह का नीचे तक रंगा हो, तो ये रहने से जीप का मूवमेंट नॉर्मल नहीं रंगा। तो ये रहे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स कर को, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, वो कैसा मैनेज करना को बोल देता हूं। अब टंग टाई का एक पिक्चर बताता हूं, तब तुम्हें मालूम हो जाएगा मैं क्या कौन सा टॉपिक के ऊपर से बात करना चाहता हूं। तो ये चीज का पिक्चर, ये टंग टाई, ये बैन कैसे कहा है, ये पैदा हो बच्चे में रहना। अब इसे चार ग्रेड होकर डिवाइड कर सकते हैं, ग्रेड वन से लेके चार तक, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, कंप्लीट। तो कंप्लेंट्स क्या कहता हो, पैदा से बच्चे में ऐसा टंग टाई है तो टंग का मूवमेंट नॉर्मल नहीं रहने से उसे ब्रेस्ट फीडिंग में, बच्चे को फीडिंग में प्रॉब्लम होगा। तो कंप्लीट होगा बच्चे को पेट भरेगा नहीं, वो फीड करते ही हल्लो को और हंगा, पेट भरता नहीं से रीजन से वो बच्चा को नींद भी नॉर्मल नहीं रहेगा, हल्लू 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 क्या होगा तो वेट लॉस होने का भी चांसेस है। वैसा नहीं कैसे तो भी ये फीडिंग प्रॉब्लम हमें ओवरकम कर लिए, उतना प्रॉब्लम नहीं था, तो नेक्स्ट कब बच्चा बात करना शुरू होता कि तब प्रॉब्लम शुरू होगा। तो मैं जो भी ये मैनेजमेंट कंप्लेन बोलता हूं ये सब भी मॉडरेट भी सिवियर टाइप के ऊपर से बोलता हूं। माइल्ड कंप्लेन मालूम होगा नहीं, वैसा नेग्लेक्ट होको ओवरकम होकर चल जाएगा। तो मॉडरेट भी सीवियर टाइप खारिज में बताता हूं सर, कब बच्चा बात करने शुरू करता कि उसे जरा वर्ड्स आंगा नहीं, कौन सा वर्ड्स का, तो टी डी एन जेड एस आर, ये वर्ड्स पर प्रोनाउंस करना होगा। ये वर्ड्स प्रोनाउंस करने वास्ते जबान ने तो जीप करेक्ट को ऊपर टच कर तो ये वर्ड्स आंगा। तुम एक बार ट्राई करना तो ट्राई करो, एल जेड टी डी ऊपर टच करता हूँ। तो ये टंग टाई मॉडरेट से सीवियर रहने से ऊपर टच करने होता नहीं सोचे ये वर्ड्स होगा। तब घर में पढ़ाई चल को रहते ही अम्मा पढ़ाते ही उसे करेक्ट होगा प्रोनाउंसिएशन आंगा नहीं, तो स्कूल से नहीं तो ट्यूशन टीचर कन से कंप्लेन आंगा उन्हें करेक्ट होकर वर्ड्स बोलता नहीं। वो जाते ऐसा नेग्लेक्ट करके जालको रहे तो उसका दांत का दांत में भी कीड़ा पड़ सकता कि, तो टंग का नॉर्मल मूवमेंट होना ये क्या भी कीड़ा क्या भी नहीं, सर टंग का डेंटेशन नॉर्मल रहना तो वो प्रॉब्लम भी होने का चांसेस है। अब नेक्स्ट इसका ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट का पहले मैं एग्जामिनेशन को बाद बोल देता हूं। अब डॉक्टर पेशेंट को एग्जामिन करते ही बच्चा का मुंह खोल को जबान कंप्लीटली बाहर डालो बोले, कौन सा बच्चा को ये जबान कंप्लीटली बाहर लोअर लिप से भी बाहर नीचे तक आता कि और टिप राउंड होको छे कि, तब वो नॉर्मल मतलब टंग टाई है सो बच्चा को ये लोअर लिप का बाहर कंप्लीटली बाहर आंगन वो भी नहीं से सीवियर भी कंप्लीट ट्राइब में टंग का जीप का टिप में एक पकड़ रंगा उसको से हार्ट शेप रंगा, ये पिक्चर में देखे से। और बच्चा कहने ये टंग जीप ऊपर बताओ बोलते ही वो बैंड क्लियर होकर दिसेगा, ऐसा हमें एग्जामिन करके डायग्नोज करता हो। ये ऑपरेशन कर तो छोंगा दवाई से जाऊंगा नहीं, स्पीच थेरेपी बसांगा। 9 महीने का बच्चा, 9 महीने से नीचे है सो बच्चा हमको फीडिंग प्रॉब्लम है सो बच्चा हमको एक्चुअली ओपीडी प्रोसीजर में रखो हम कर सकते हैं, ऑपरेशन थिएटर जाना आपको मस्ट नहीं। तो इसे स्पेशल आपको इन्वेस्टिगेशन क्या भी नको कब तो भी कोएगुलेशन प्रोफाइल खाली करेंगे, ब्लीडिंग क्या भी आने चलना है, ब्लीडिंग है बहुत मिनिमम ही चाहूंगा मैं एक वीडियो तुमने बताता हूं। तो 9 महीने का बच्चा का तो 9 महीने से कम है से बच्चा तो ओपीडी प्रोसीजर में कर डाली जा,
एक आधा घंटे को घर को भी चलेगी जा। वैसा नहीं, एक साल से ज्यादा का तो अच्छा कोऑपरेटिव बच्चा का तो हम ना ओपीडी प्रोसीजर मैच कर सकते। वो नहीं, बच्चा कोऑपरेटिव नहीं, रूम का अंदर तक चढ़ को आता नहीं का तो कि ऑपरेशन थिएटर में ब्लड जाको, जरा बेहोश करको, ये प्रोसीजर करना, उसके बाद वो आधा घंटे में तो एक घंटे में डिस्चार्ज कर सकते। अब तुम एक वीडियो में बताता हूं ये प्रोसीजर के बारे में। देखो ब्लीडिंग जरा भी ब्लीडिंग नहीं है, ये बच्चे एक हाफ एन आवर में घर भी चलेगी। अब ये प्रोसीजर होए बादू वो रोज ठंडा पानी दिए तो अच्छा रहना, नहीं तो नॉर्मल पानी देती पर नहीं, गर्म देना नहीं, जलन ज्यादा है सो देना नहीं। तो बड़े बच्चे एक साल के ऊपर है सो बच्चे को एक पांच रोज को एक एक्सरसाइज भी है। क्या एक्सरसाइज करता हूं, बहुत सिंपल, मुंह खोलकर जबान कंप्लीटली बाहर डालना, एक दो वैसा 10 बार। सेकेंड एक्सरसाइज, मुंह खोलकर जबान ऊपर ऊपर 10 बार। ये आपको करने हो तो सही, एक साल का ऊपर है तो बच्चा को ये कर सकते। और उसका बाद पांच नहीं तो 7 रोज का बाद ये कंप्लीटली हील हो जाएगा। वो बच्चा को स्पीच थेरेपी 5 सेशन देना। मैं और एक वीडियो बताता हूं, ऑपरेशन का पहले कैसा था, ऑपरेशन का बाद कैसा है। अगर ये ऑपरेशन का पहले है सो वीडियो, बच्चा जबान बाहर डालते ही यहां एक हार्ट शेप टिप, लोअर लिप का जर्राज बाहर आता, यहां एक टिप में पकड़ है और टंग ऊपर बताओ बोलते ही यहां एक बैन का सिक्का है, उतना ऊपर टच करना होता नहीं, देखो बैन का सिक्का है। ये ऑपरेशन का बाद है सो, बाद है सो वीडियो में ये बैन कंप्लीट, ये देखो बैन दिखता, देखो ये बैट कंप्लीटली चलेगा। तो मैं बोल को दिया सो एक्सरसाइज 5 रोज को, बस एक साल से ज्यादा है सो बच्चा को, उसके बाजू स्पीच थेरेपिस्ट को जाको मिलना। तो ऐसा टंग टाइप प्रोसीजर हमें मैनेज करती सो, तो एक सर्जरी हो को बोलना चाहिए, प्रोसीजर हो को बोली जा, एक 5 मिनट 10 मिनट से छोंगा, वो रोज बच्चा नॉर्मल भी हो जाएंगे। आदाब।